427, मेरा नाम है कौरव। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है एक महिला की जिसका नाम है शबनम। काफी चर्चित कहानी है इसकी। ये जो आर्टिकल है हम ये पढ़ रहे हैं लीगल एडवाइजरी डॉट इन पर, आप भी जाकर देख सकते हैं अगर आप लीगल एस्पिरेंट्स हैं और अगर आप लीगल न्यूज से अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वेबसाइट से आपको सारी लीगल इंफॉर्मेशन अपडेट मिलती रहेगी। तो हम इस आर्टिकल के थ्रू जाएंगे और समझेंगे क्या था ये पूरा मामला, आखिर क्यों एक महिला को जो है फांसी की सजा, मतलब इसमें 7 लोगों को मारने के लिए फांसी की सजा आजादी के बाद पहली बार सुनाई गई है। तो दोस्तों मामला काफी पुराना है। अगर हम इस मामले की बात करें तो इस महिला का किसी एक बाहर के लड़के से, किसी दूसरे लड़के से प्रेम संबंध था। प्रेम संबंध होना गलत नहीं है, प्रेम संबंध होता है, पर प्रेम संबंध होने के साथ साथ इसने क्या किया वो आज सुनने में रूह कांप जाएगी। क्योंकि आजाद भारत में पहला वाक्य है जब किसी महिला को फांसी पर चढ़ाया जाएगा। सबनों को फांसी पर लटकाने के लिए सारी व्यवस्थाएं मथुरा में हो गई हैं, क्योंकि मथुरा में एक फांसी देने के लिए एक जगह बनाई गई थी, मगर आज तक वहां पर किसी भी महिला को फांसी नहीं दी गई। पर शबनम जो 7 लोगों की हत्यारी, जिसने अपने घर के 7 लोगों को मार दिया, उसको पहली बार फांसी होने जा रही है। क्या था मामला दोस्तों? मामला था कि ये उत्तर प्रदेश का मामला है। ये अमरोहा जिले में रहने वाली शबनम ने 2008 में इसको प्यार हो गया। अब जब प्यार हो गया तो इसके प्यार में जब आड़े आ रहे थे, वो परिवार के लोग आ सकते थे ऐसा उनका मानना था। तो उसने क्या किया कि उसने सोचा कि मैं इन सबको ही निपटा देती हूँ, जब ना होंगे परिवार वाले तो ना ही कोई हमारे आड़े आएगा। तो उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर 7 लोग, जिसमें परिजन और छोटा बच्चा था, उस तक को कुल्हाड़ी से काट दिया और उसके बाद वो लोग फरार हो गए। जब मामला तूल पकड़ा तब तो उसको ढूंढा गया, उसको पकड़ लिया गया और बहुत सारे केस चले काफी टाइम से, 2008 से अब तक लगभग 2000 जनवरी 2021 तक लगभग मुकदमा चला और राष्ट्रपति के पास तक सामने अपनी दया याचिका ले जाकर पहुंच गई, पर राष्ट्रपति ने भी उसकी दया याचिका को खारिज कर दिया। और अब लगभग आप ये मान सकते हैं कि फांसी इनकी होना तय है। और कोई रेमेडीज वहां होंगी तो शायद हो सकता है वो एक दो रेमेडीज, जैसे निर्भया केस में दो एक रेमेडीज के लिए वो जो आखिर तक उनका अधिवक्ता, जिन्होंने जिन्होंने रेप किया था उनका अधिवक्ता भागता रहा था, उसी तरह सबनम के अधिवक्ता भी शायद और कोई रेमेडीज के लिए जाए। पर लगता नहीं है जिस तरह का जो केस है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट, कि फांसी की सजा तभी होती है जब रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस हो। तो जब मथुरा की जेल के अधीक्षक शैलेंद्र कुमार मैत्रेय से पूछा गया तो उन्होंने मीडिया में बताया कि सबनम की फांसी की तारीख अभी तय नहीं हुई है, फांसी की तारीख तय हो जाए तभी हम उनको फांसी देंगे, इसके बावजूद हमने फांसी को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है, जैसे ही कोर्ट तारीख का फैसला करेगा फांसी की तो हम तुरंत उसको फांसी देने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। एक दोस्त की इससे जुड़ी अपडेट ये है कि इसकी जो फांसी देने के लिए जो सूली है वो बक्सर से मंगाई गई है। निर्भया मामले की सूली, दोषियों को सूली पर चढ़ाने वाले पवन जल्लाद 2 बार इस फांसी घर का निरीक्षण भी कर चुके हैं। उन्होंने जेल अधिकारियों से जो है तख्ते का लेवर ठीक कराने का सुझाव दिया, बताया कि सबनों को फांसी देने के लिए बिहार की बक्सर जेल से रस्सी मंगवाई गई है। तो ये पूरा मामला था। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को पसंद आया होगा। आपका सब्सक्राइब करना बहुत अवांछनीय है, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो मेहनत तो ऐसा लगता है कि मजा नहीं आया करने में, तो आप थोड़ा सा मदद करिए हमारा, हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो उम्मीद है आगे चलकर बनाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।